मॉर्निंग, वेलकम बैक टू विद अवर ब्लॉग। सो फाइनली आज के ब्लॉग में आप लोगों को पता चल ही गया होगा थंबनेल देखकर कि आज हमारे घर पे क्या ओकेजन होने वाला है। तो आप लोगों को बता दे गाइस कि आज हम लोग दीदी का बेबी शावर सेलिब्रेट करने वाले हैं। और गाइस अभी फिलहाल हम रेडी हो चुके हैं और जहां पे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं वहां पे भी हम जाते हैं, फटाफट से डेकोरेशन करना है क्योंकि शाम में इवेंट होने वाला है। और जल्दी से और कुछ नहीं गाइस, तो आज ब्लॉग पे आप लोग लास्ट बने रहिएगा, आप लोग देखिएगा कि कैसे हम लोग बेबी शावर दीदी का सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो फटाफट से भी हम जाते हैं और डेकोरेशन करके आते हैं क्योंकि रास्ते में ही हम लोग का जो भिनाजू है वो रास्ते में ही है, कुछ ही देर में पहुंचने ही वाले घर। तो जल्दी जाते हैं वहां पे, हम लोग जहां पे सेलिब्रेट करने वाले वहां पे डेकोरेट करते हैं, फिर भिनाजू से भी मिलना है, फिर हम लोग सभी कोई रेडी होके जाने वाले हैं फिर सेलिब्रेट करने के लिए बेबी शावर गाइस। तो ब्लॉग पे लास्ट तक बने रहिएगा। सो गाइस फाइनली बहुत ही अच्छी तरह से हम लोग डेकोरेट कर चुके हैं, देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में भी फाइनली डेकोरेट पूरी अच्छी तरह से फिनिशिंग हो चुका है। और उधर साइड साइड में थोड़ा सा बैलून कम हो गया, कम हुआ नहीं गाइस, बैलून फट गया, देख सकते वहाँ पे चिपका हुआ था पर फट गया है। और गाइस आपको दिखा दें यहाँ पे यही टेबल है, यहीं पे अभी हम लोग केक रख के केक कटिंग कट करेंगे और सेलिब्रेट करेंगे गाइस। तो फिलहाल अभी भिनाजू लोग आ चुके होंगे, शाम के 6:30 बज चुका है और घर पे है, पर हम अभी यहाँ पे होटल पे आए हुए हैं और देख सकते हैं गाइस पीछे। और इसको हम बैक कैमरा से अच्छी तरह से शूट करके दिखाते हैं गाइस, और जब भिनाजू लोग आएंगे तब फिर हम लोग अच्छी तरह से जो बेबी शावर है जो आज हम लोग करने वाले हैं उसको अच्छी तरह से सेलिब्रेट करेंगे। और कैसे सेलिब्रेट करेंगे इस ब्लॉग के थ्रू आप लोग को हम दिखाएंगे, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा गाइस। तो गाइस तो मैंने तो आप लोग के साथ शेयर कर दिया कि कैसे हम डेकोरेट किए पीछे बैकग्राउंड में, और फिलहाल अभी हम अकेले हैं यहाँ पे, तभी फिलहाल जाते हैं घर और भिनाजी लोग से मिल के सभी कोई साथ में फिर आएंगे यहाँ पे सेलिब्रेट करने की। तो गाइस तो सभी कोई आ चुके हैं, देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में दीदी भिनाजू और एक भिनाजू बाहर पे है और पापा लोग भी बाहर पे गाइस, तो देख सकते हैं भिनाजू हमारे इधर, दीदी और इधर भी दीदी और एक भिनाजू है गाइस, तो वो अभी फिलहाल बाहर पे है क्योंकि बाहर में नेचुरल हवा ले रहे हैं। और पापा मम्मी लोग भी बाहर पे बैठे हुए, अब हम लोग कुछ ही देर में जो वहाँ पे बोर्ड पे लगा हुआ है गाइस देख सकते हैं बेबी शावर, तो कुछ ही देर में हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शन को। तो अभी 10-15 मिनट थोड़ा सा टाइम है अभी फंक्शन स्टार्ट होने में गाइस। तो जब हम लोग बेबी शावर सेलिब्रेट करेंगे सभी दीदी भिनाजू के साथ, तो आप लोग को जो मोमेंट हम लोग यहाँ पे इंजॉय करेंगे आप लोग के साथ जरूर से जरूर शेयर करेंगे। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा और देखिएगा कि कैसे हम लोग बेबी शावर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अभी फाइनली हम लोग का स्टार्टर चालू हो चुका है और दिखाते हैं आपको स्टार्टर में हम लोग का अभी क्या क्या है, चाउमीन और साथ में चिकन चिली देख सकते हैं गाइस, और पीछे देख सकते हैं भिनाजू दीदी सभी कोई, केक कटिंग नहीं हुआ है गाइस, केक कटिंग कुछ ही देर में अभी होगा, पहले हम लोग स्टार्टर स्टार्ट किए हैं उसके बाद फिर केक कटिंग करेंगे और अच्छी तरह से जो बेबी शावर सेलिब्रेट करेंगे उसके बाद फिर लास्ट में हम लोग डिनर करेंगे गाइस। तो अभी फाइनली जो स्टार्टर मेरे प्लेट पे है देख सकते हैं इतना है, तो इसको पहले ख़त्म करते हैं उसके बाद फिर हम लोग अच्छी तरह से बेबी शावर केक कटिंग करेंगे और अच्छी तरह से सेलिब्रेट करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे गाइस। सो गाइस तो फाइनली अभी देख सकते हैं वहाँ पे टेबल पे केक रखा चुका है और दीदी भिनाजू अभी फिलहाल फ़ोटोशूट कर रहे हैं और इधर राकेश भी अभी फ़ोटोशूट कर रहे हैं, उधर दीदी है और अभी सभी कोई हम लोग यहाँ पे पहले केक कटिंग करने से पहले फ़ोटो यहाँ पे क्लिक करने वाले हैं, तो वही फ़ोटोशूट का अभी फंक्शन चल रहा है। फ़ोटोशूट होने के बाद फिर फाइनली हम लोग लास्ट पे केक कटिंग करेंगे गाइस, तो अभी फ़ोटोशूट कर लेते हैं अभी दीदी भिनाजू का, उसके बाद फिर लास्ट में जब केक कटिंग करेंगे जब सेलिब्रेट करेंगे बेबी शावर तो आप लोग के साथ हम जरूर इस ब्लॉग के थ्रू शेयर करेंगे गाइस। मुझको कितना बताए कोई कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई, रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है उसकी
दिया तेरा दिल है मेरा रंग दाऊं जो मैं हाथ लगाऊं जिंदगी से सारा देर से सेलिब्रेट करने का वेट कर रहे थे केक कटिंग का गाइस। तो देख सकते गाइस दीदी बिना जो यहाँ पे बैठ चुके हैं और अभी सभी दही चूड़ा और मिठाई उठाई खिला दिया। पर गाइस उधर देख सकते हैं क्या है टीका है पर टीका अभी हम लोग नहीं लगाए गाइस ड्यू टू सम प्रॉब्लम। और गाइस तो अभी बस कुछ ही देर में अब हम लोग फाइनली फंक्शन जो केक कटिंग का है स्टार्ट करने वाले हैं। तो देख सकते हैं केक आप लोग को दिखा दे रहे एक बार जूम करके गाइस और देखिए तब लगभग स्टार्ट ही होने वाला है केक कटिंग का फंक्शन गाइस। तो गाइस तो देख सकते हैं भैया विनाजू का आँख रुमाल से बांध दे रहे हैं और इससे अभी बता रहे हैं नियम क्या होने वाला है गाइस। यहाँ पे आप लोगों को केक दिखा रहे हैं ही और सी ब्लू वाला है वो ही है और पिंक वाला सी है और अभी विनाजू चूज करने वाले हैं और देखिए ही आता है कि सी आता है गाइस। नहीं जब बोलेंगे स्टार्ट तब स्टार्ट होगा विनाजू नो चीटिंग। चलिए 1 2 3 गो। देख सकते हैं गाइस विनाजू कौन सा चूज किए हैं बेबी बॉय ब्लू बेबी बॉय चूज किए हैं। अब दीदी का ना अब दीदी का टर्न देखते हैं दीदी क्या चूज करती है गाइस। अब जिसका टर्न आएगा तो गाइस तो दीदी का भी हो गया है और 1 2 3 स्टार्ट। हाँ ये टाई हो गया है विनाजी चूज कर लिए बेबी बॉय और दीदी चूज किए गाइस। देख सकते हैं किसकी कहाँ है बेबी गर्ल। तो अभी टाई हो चुका है बेस्ट ऑफ थ्री होगा गाइस देखते हैं। अभी टाई हो गया टाई रेडी 1 2 3 और देख सकते हैं गाइस विनाजू का स्टिक कहाँ पे आके है फिर से बेबी बॉय विनाजू चूज किए गाइस। दो में दो बेबी बॉय। अब दीदी का चांस फिर से गाइस तो अभी फिर से अब दीदी का टर्न आ चुका है और देखिए 1 2 3 लेट्स गो। हो गया फाइनल बेस्ट ऑफ बेस्ट ऑफ टू ना हुआ तो उसमें तो ज्यादा पॉइंट हो गया। ओ हाँ परसेंटेज में हाँ पॉइंट बॉय में ज्यादा आया है तो इसमें 3 हुआ और बॉय में 3 और गर्ल में 1। तो गाइस तो बॉय वाला कंसीडर होगा अब देखते हैं इन फ्यूचर।
वही तो रिजल्ट अब बाद में पता चलेगा गाइस, अभी तक तो यही कंसीडर हुआ जिसे ये पेंडिंग अब था दिन तो गाइस तब हम लोग जो केक कटिंग का जो फंक्शन है अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो गाइस तो देख सकते हैं ये चीज़ हम लोग तभी से भूल गए थे लगाने के लिए, पर अभी याद आया तो अभी दीदी बिनाजू लगा देंगे, दीदी बिनाजू को सही टाइम में याद आ गया गाइस केक कटिंग करने के टाइम में, वरना पिन पिन का जरूरत होगा। कटिंग का फंक्शन हो चुका है और अभी फाइनली टाइम आ चुका है डिनर करने का, तब कुछ ही देर में डिनर सर्व होने वाला है, तो हम लोग सभी को ही डिनर करने वाले, केक बचा हुआ है तो ये सब हम ही लोग को खाना है और जल्दी जल्दी खाएंगे क्योंकि केक देखने में ही बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लग रहा है, तो खाने में कितना डिलीशियस लगेगा गाइस। फोटो शूट हो रहा है, देख सकते इधर राकेश भैया फोटो शूट कर रहे हैं। ऑल द वे फ्रॉम जमशेदपुर राकेश भैया, तो अभी फ़ोटो शूट तो हो गया गाइस और कुछ कुछ और फ़ोटो शूट कर लेंगे और थोड़ी देर के बाद फिर हम लोग डिनर करेंगे गाइस। सभी कोई पीछे बैकग्राउंड में जितने कोई दिख रहे हैं सभी कोई मिल के हम लोग, और बता दें हम लोग के बड़े भी राजू हैं और इधर दीदी, इधर मम्मी, इधर आंटी, इधर सभी कोई, बाकी सबको तो दीदी मेन जो मेन है यहाँ पे दीदी, आज के जो फंक्शन है मेन आदमी दीदी और इधर तो गाइस तो कुछ केक कटिंग मतलब कि केक सब होगा, केक खाएंगे उसके बाद फिर हम लोग डिनर करेंगे। तो गाइस तो डिनर करने से पहले केक सब अभी हो रहा था तो केक अभी खाएंगे सबसे पहले, उसके बाद फिर डिनर करेंगे, फिर लास्ट में फिर डेजर्ट में भी मिठाई के साथ ये केक खाएंगे गाइस। तो फटाफट से केक खाते हैं और देखते हैं आपको बताते हैं टेस्ट कैसा है। हमको तो वैसे ब्लू वाला मिला है, पिंक वाला भी टेस्ट करेंगे एक बार तो उसका फ्लेवर कैसा है। तो एक तो ब्लू वाला तो टेस्ट कर लिए, पर ब्लू वाला भी बहुत ही अच्छा लगा और अभी फाइनली पिंक वाला टेस्ट करना है, और जो चम्मच है वो तो ज़मीन में गिर गया, पर दूसरा चम्मच अभी लेके आते हैं और टेस्ट करते हैं पिंक वाला। तो मैं तो खाना लग चुका है यहाँ पे, बस देख सकते हैं भैया लोग और अभी खाना अभी सब होगा अभी। तो वैसे तो फाइनली डिनर करने का टाइम आ चुका है और अभी हम डिनर लेके बैठ चुके हैं, पर देख सकते हैं मैं प्लेट में ज़्यादा नहीं है क्योंकि गाइस हम चाउमीन चिल्ली ही खा के पूरा पेट भर लिए थे, पर ये बस हम नाम भर का खा रहे हैं क्योंकि दवाई भी खा रहे हैं उनको अभी। तो गाइस तो फटाफट से डिनर में थोड़ा सा ये है जो ये सब तो थोड़ा थोड़ा जल्दी से जल्दी से खाते हैं और उसके बाद खाने के बाद और पेट का ऐसा भरा हुआ फिर भी जल्दी से खा लेते हैं, उसके भी दवाई खाएंगे और लगभग फंक्शन जो फंक्शन है वो ख़त्म हो चुका है और रात भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, 11 बज गया है, तो जल्दी से खाना खाते हैं और थोड़ा फ्रेश होके और फिर हम लोग निकलेंगे घर के लिए गए क्योंकि
बहुत ही ज़्यादा रात हो गया है, फटाफट से खाना खाते हैं। तो गाइस फाइनली घर आके फ्रेश व्रेश होकर जो ड्रेस है वो चेंज कर लिए हैं और काफ़ी ज़्यादा रात हो गया, 12 बज चुका है, उधर घड़ी पे देख सकते हैं गाइस तो रात के 12 बज चुका है और सारा प्रोग्राम भी बहुत ही अच्छी तरह से हो गया और आप लोग के साथ भी सारा मूवमेंट मैं आपके साथ शेयर किया इस ब्लॉग के थ्रू। और गाइज तो काफ़ी ज़्यादा नींद लग रहा है और आज का ब्लॉग हम लोग यहीं तक रखते हैं। और गाइज तो अब ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो जरूर से जरूर कीजिएगा गाइज। तो मिलते हैं हम लोग कल एक नई ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।